जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि SDM एवं BDO व पशु चिकित्सा अधिकारी संयुक्त रूप से गो संरक्षण केंद्र का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा गो संरक्षण केंद्रों में लाए जाने वाले गोवंशों की ग्रेडिंग भी अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिससे उनकी देखभाल सही ढंग से हो सके। DM ने कहा कि गो संरक्षण केंद्र के आसपास हरे चारे के लिए भी व्यवस्था कराई जाए, जिससे पशुओं को हरा चारा मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी BDO एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोवंश रखने के लिए प्रेरित भी करें, जिससे गो संरक्षण केंद्रों में आने वाले गोवंशों को गोद लिया जा सके। निराश्रित गोवंश संरक्षण योजना के तहत गोवंश को गोद में लेने पर प्रतिमाह 900 रुपये प्रति गोवंश भी प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आप वीडियो साहब, आप SDM से संपर्क कर लो, जमीन की कोई कमी नहीं इसी जनपद में, जमीन तो बहुत है हम लोगों के पास। मतलब पहले तो ये चारा के चक्कर पे चारा के जमीन दिलाया हम लोग, ताकि तो SDM साहब मौके जाए, पता नहीं देखें कि नहीं देखें, आप कैसे कितने हैं वो आपका जो तो आगे वही योजना में आपसे बताने वाला हूँ। मैं बताता हूँ चारा, ताकि केवल भूसा से जानवर जिंदा नहीं रख पाए, मर जाएगी, अपने आप को कुपोषित हो जाती है, ताकि उनका है ना मल्टीविटामिन सारे चीज़ चाहिए। आप आदमी भी ले लो यार, ये तो केवल रोटी खाता है एक आदमी, तो फिर वो कैसे वो जी पाएगा, वो भी तो मर जाएगा जल्दी। किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। बाकी इसको यार सूटेबिलिटी देखो, बिल्कुल अनफिट है आपको, ऐसे जगह है तो फिर ज़रूर आपको दूसरे जगह लेके रखना हो। एक एनिमल के लिए सर, जो कबाड़ एरिया है 2500 यानी तो 1500 स्क्वायर फीट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, तो इतने शेड तो आराम से कर सकते, तो उसी के लेवल को राइज कर लें कम से कम, उतना ऊंचा किया जा सकता है सर, उसी मिट्टी से आप करा सकते हैं आराम से। शेड कबाड़ नहीं पड़ रहा है सर, शेड का हम लोग अपने से कहीं पड़ा है, गोला में चंदा लगा कर के वो मिट्टी लगा रहा है, 100 कल मिट्टी गिर चुकी है, कहाँ है अब तक? गोला में। अच्छा, इसमें चला रहा है जो हमने बोला राष्ट्रीय।